सर आप देख रहे हैं कठुआ रियल न्यूज और मैं आपके साथ योगराज। प्यारे दर्शकों, इस समय में आज भी मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम हीरानगर में हूं और जो आप देख रहे हैं कि आज दूसरा सेमीफाइनल हो चुका है जो कि जेके गवर्नमेंट की तरफ से इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो चल रही थी और आज इसका दूसरा सेमीफाइनल हो चुका है जो कि डोडा और जम्मू के बीच हुआ। पहले जम्मू ने बल्लेबाजी करते हुए 110 रन बनाए और उसी का जवाब देते हुए डोडा ने 10 विकेट के नुकसान पर 53 रन बनाए और इस तरह से वो 57 रन से हार गई। और अभी मैं आपको ये बता दूं कि अभी थोड़ी देर के बाद फाइनल मुकाबला जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल लेवल अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला है जो कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू और डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बीच होने वाला है। और इस समय मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और इस तरह से मैं अपने कैमरामैन को ये कहूँगा कि इस मैच का पूरा लाइव विजुअल जो है आप लोगों तक पहुँचाया जाए। गोल्ड करेंगे, गोल्ड करेंगे। बचाओ लड़कों को।
क्या सिंगल ले लिया? बताएंगे अभी आपने फाइनल में 100 बनाया है, क्या लगता है आपको किस तरह से बनाया? सोचा था आज पूरा खेलूंगा क्योंकि पिछले 2 मैच से पूरा नहीं खेल पा रहा था मैं, आउट हो रहा था लगातार। मैंने बस यही सोचा था पूरा खेल के आऊंगा। क्या कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको 100 बनाने के? खुशी तो महसूस हो ही रही है लेकिन 2 बॉलों में और 2 छक्के आ जाते और मजा आता लास्ट। और टीम के लिए कैसा कोऑपरेशन रहा आपका जम्मू की तरफ से? अच्छा रहा सर। और कठुआ टीम को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? कठुआ की टीम अच्छी थी सर, बॉलर अच्छे थे, बस मेरा दिन अच्छा था तो छक्के ही लग रहे थे बस। उनका कठुआ की टीम का कोई आपने वीक पॉइंट देखा है? उनका वीक पॉइंट बस यही था सर कि बॉलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं, फुल टॉस छड़ी फुल टॉस, और अगर अच्छी डालते तो मैं रिस्पेक्ट देता। मगर इसकी ग्राउंड की फील्डिंग का क्या है उनका? ग्राउंड की फील्डिंग सर अच्छी है उनकी, उन्होंने फील्डिंग बहुत अच्छी की, जहाँ पे हमारे 2 रन थे वहाँ पे 1 ही रन दिया उन्होंने। क्या लगता है आपको कि उनकी बॉलिंग जो वो लूज थी? यस सर लूज थी उनकी बॉलिंग थोड़ी सी, जो उनका एक कप्तान थे उन्होंने थोड़ी आज गलत बॉल डाली, वो अच्छे बॉलर हैं। नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि कितने स्कोर तक आप कठुआ टीम को समेट रहे? सर उनको हम 80 रन तक रोकना चाहेंगे। थैंक यू। बताएंगे आप जम्मू टीम के कैप्टन भी हैं और आज आपने कठुआ के साथ फाइनल खेला और एक बहुत ही अच्छा स्कोर आपने बनाया 189, क्या कहेंगे कि कठुआ टीम की तरफ से किस किस चीज़ का बिग पॉइंट आपने देखा? सर सबसे पहले तो ये जो हमारे ओपनर आज गए थे तो मेन फोकस हमारा ये था कि पिछले कुछ मैचों में हमारे जो थे कि मोस्टली उनका फोकस ये था कि ओवर कम है तो मारने का देख रहे थे, पर आज जैसे सर ने भी हमारे जो साथ कोच आए हैं सुरेश सर, उन्होंने भी बोला था कि सिंगल्स पे ध्यान रखना, जैसे शुरू शुरू में जब सिंगल्स आए तो फिर दूसरी टीम पे भी पैनिक पड़ता है तो वो भी फील्ड चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उस चक्कर में जो बैट्समैन को होता है उसको एक मोमेंटम मिल जाता है जिस वजह से वो शॉट्स मार सकता है, तो आज मोमेंटम आशुतोष ने कैरी किया, नीचे आते आते टेल ने भी अच्छा सपोर्ट दिया, फिर हम एक अच्छे स्कोर को अचीव कर लिए। आगे के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है नेक्स्ट इन फ्यूचर? सर फ्यूचर में यही है कि थोड़ा फील्डिंग में इम्प्रूवमेंट, हमारी टीम थोड़ी फील्डिंग इम्प्रूव कर सकती थी कि अगर जो कुछ कैचेस जल्दी पकड़ लिए होते तो ये मैच है थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता, तो यही है फील्डिंग ही मेन पॉइंट है, बाकी सब बॉलिंग भी अच्छी डाली है सब ने, बैटिंग भी अच्छी दी। ये आप कठुआ टीम के कैप्टन भी हैं, आज जो आपने मैच खेला फाइनल जम्मू के साथ और आज 80 रन से आप हार गए हैं, क्या वजह थी, किस वजह से इतना स्कोर बना 189 और किस वजह से आपको हार मिली? पहले तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर दिया था हमें यहाँ पर यू सर्विजन स्पोर्ट्स ने, और आज के जैसे मैच देखा जाए तो हमने काफ़ी मिसफील्ड की है
और कोलैप्स भी हुई हमारी टीम स्टार्टिंग में जब बैटिंग करने आई, और एक आशुतोष है उसने अच्छी बैटिंग की आज, और आगे थोड़ा कोलैप्स हो गई थी हमारी टीम, इसलिए हम आ रही। क्या देखते हैं बॉलिंग में या फील्डिंग में, किस चीज़ की कमी आपको दिखी आज? सर आज तो खासकर बॉलिंग भी हमारी इतनी खास नहीं रही और हमारी फील्डिंग भी थोड़ी कमजोरी थी, ज़्यादा मेन वही था कि हम फील्डिंग की वजह से ही आ रहे हैं। उनकी तरफ से आपको क्या भी पॉइंट देखने को मिला, जैसे उन्होंने कोई आज 7-8 कैच भी छोड़े हैं, क्या कहेंगे? बेसिकली फील्डिंग खराबी थी दोनों टीम की, पर उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की है और बैटिंग उन्होंने अच्छी की है, तो इसकी वजह से आज मैच जीते। हमारे मुख्य अतिथि हैं, उसके साथ साथ हमारे जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर हीरानगर योगराज शर्मा जी, हमारे बीच प्रोफेसर साहब जो एक पेरेंट्स बच्चे के पेरेंट्स हैं, आप सभी का डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से दिल की गहराइयों से स्वागत है। सबसे पहले जब भी कोई खेल होता है, कोई भी गेम होती है, तो हर चीज जो है वो इस खेल का पहलू है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। मुझे फाइनल जीता अंडर 17 का, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट को भी मौका दूंगा जिन्होंने अपने दो मैच जीतकर क्वालिफाई करके फाइनल पहुंचे, दोनों टीमें मौका है। तो अब हम शुरुआत करेंगे सर, हीरानगर श्री जोगरा हमारे बीच रविंद्र शर्मा जी, नवीन जी और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ से देविंदर सिंह चाली, जोगिंदर और बाकी जितने भी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और प्यारे बच्चों, ये जो टूर्नामेंट 3 तारीख से इसकी शुरुआत हुई थी, तो आज दोनों टीमें जो कठुआ जम्मू फाइनल में पहुंची, दोनों टीमें मुबारक की हकदार, और बेहतर जो परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट जम्मू की रही तो जम्मू टीम के लिए स्पेशल क्लैप। पूरे ग्राउंड में अच्छा जो है स्किल अपना दिखाया और कठुआ जो नंबर 2 पे रही, और जम्मू को एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं, और ये आप लोगों से आशा रखूंगा कि हम आने वाले दिनों में ये देखें कि जो बच्चे आज स्टेडियम हीरानगर में ये अंडर 17 के फॉर्मेट पे टूर्नामेंट खेल के जा रही है, तो आने वाले दिनों में जैसे अब जम्मू में शुरुआत हो चुकी है इंटरनेशनल जहां अपने इंडिया टीम में जाने की, तो हम चाहेंगे कि आप में से जो चेहरे हैं वहां भी हम लोग देखें, तो बहुत जल्दी ग्रो करता है और वही सोसाइटी जो है तरक्की जाबता रहती है जिसके अंदर अनुशासन, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, कोऑर्डिनेशन ये चीज़ें रहती हैं, तो स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट है ये जोड़ने का काम करता है। सर बताएंगे आपकी होम टीम कठुआ जो है अंडर 17 फाइनल में जम्मू से 80 रन से हार गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये टूर्नामेंट जो हमारी है अंडर 17 फॉर्मेट पे टूर्नामेंट हुई, तो हारना जीतना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बच्चे दो टीमें फाइनल में खेल रही हैं, तो हारने में जो है कि जम्मू की जो टीम है वो बेहतर खेली, तो उन्होंने विन करा, और कठुआ की टीम भी अच्छी, इन्होंने भी बैटिंग करी, लेकिन इनके जो एक दो बच्चे हैं वो बच्चे ठीक तरीके से नहीं खेल पाए, तो इस वजह से थोड़ा सा ये हम नंबर 2 पे रहे, लेकिन फिर भी प्रोविंस जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनमें से नंबर 2 पर रहना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये अचीवमेंट है। सर कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे प्रोविंस लेवल के लिए? ये प्रोविंस लेवल पे हमारी एक टीम 16 बच्चों की टीम बनेगी जो प्रोविंस से नगर के साथ इसका कंपटीशन होगा, वहां से फिर नेशनल के लिए टीम सिलेक्ट की जाएगी। सर DYSS कठुआ की तरफ से कठुआ टीम के लिए क्या निर्देश दिशा रहेंगी? जो हमारी आने वाली जो टूर्नामेंट्स रहेंगी तो उसके लिए हम बच्चों को अपने फिजिकल टीचर्स को
और ज़्यादा अपने बच्चों को मेहनत करवाएंगे और आने वाले समय में इसे और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे।